हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि डीएल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल सर्किट पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल में ऐसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन और होम ऑटोमेशन की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ड्यूल स्टार्टर कनेक्शन या करने के लिए या ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पोल का MCB लिया है, इसके बाद कॉन्टैक्टर है, ओवरलोड रिले है, और लैंप ले रखा है हमने एक स्टार्ट के लिए और एक स्टॉप के लिए, और यहाँ पे एक NC पुश बटन है यानी कि ऑफ पुश बटन, और यहाँ पे एक NO पुश बटन यानी कि ऑन पुश बटन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमको इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल का सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, ये हमारा कॉन्टेक्टर था, कॉन्टेक्टर में 2 पॉइंट A1 और A2, तो हम A1 पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लैंप और जो स्टार्ट लैंप और स्टॉप लैंप है उसको ऑन करने के लिए हमको न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर लेंगे। सर दोस्तों, हमारा न्यूट्रल वायरिंग पूरा हो चुका है, अभी हम करेंगे फेज का कनेक्शन। सबसे पहले हम फेज को ला के जो हमने यहाँ पे NC बस बटन लगा रखा है उसके पहले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। उसके दोस्तों दूसरे पॉइंट जो निकलेगा आउटपुट उसको हम NO के पहले पॉइंट में करेंगे, NO के दूसरे पॉइंट से निकलेगा उसको हमने पहला, जैसे 2 पॉइंट हो गया, ये NO पॉइंट है और ये NC पॉइंट, हम NC पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। NC पॉइंट में इसलिए कनेक्ट जबकि हमारा मोटर एम्पेयर जब ज़्यादा लेने लगेगा तो मोटर ट्रिप होगा, मोटर ट्रिप करने के लिए हम यहाँ पे NC देंगे, मोटर जैसे ट्रिप करने के लिए ये NC NO हो जाएगा, मोटर ट्रिप कर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे NC से कनेक्शन लेंगे। इसके बाद जो दूसरे पॉइंट से निकलेगा उसको ले जाकर अपने कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट। दोस्तों हमारा अभी तो इंचिंग कनेक्शन पूरा, जैसे हम NO यानी कि NO पुश बटन को जब तक हम प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा मोटर ऑन रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे एक बार हम बटन दबा दें, एक बार हम बटन को प्रेस करें तो हमारा मोटर तब तक ऑन रहे जब तक कि हम NC पुश बटन को प्रेस ना करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट है हमारे कर्सर पॉइंट पर, आप देखेंगे वहाँ पर है एक एक पॉइंट 2 पॉइंट। दोस्तों, ये हमारा NO पॉइंट है और इसके बाद ये हमारा NC पॉइंट है, तो हम इसमें NO पॉइंट यूज करने वाले हैं। यहाँ से जो हमारा NC का दूसरा पॉइंट से एक कनेक्शन वायर लेंगे, एक वायर लेंगे उसको ले जाके हम अपने NC में कनेक्ट कर लेंगे और NO में भी कनेक्ट, यहाँ पे NC में NC कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे स्टॉप लैंप को कनेक्ट कर लें, यहाँ पे हम पावर वोल्टेज दे देंगे जो हम यहाँ पे NO में कनेक्ट किए हैं। यहाँ से जो NO का दूसरा पॉइंट है यहाँ से लेकर हम A2 में लूप कर देंगे, जो क्या होगा जब हम NO को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, कॉन्टेक्टर होल्ड होते ही NO NC बन जाएगा और NC बनते ही सप्लाई यहाँ से A2 में आ जाएगा, तो हमारा क्या करें कॉन्टेक्टर तब तक होल्ड रहेगा जब तक हम NC प्रेस ना करके ये पावर को कट ना कर दें। इसके बाद हमने यहाँ पे जो NC पॉइंट है, NC पॉइंट में भी हमने लूप दे रखा है 230 वोल्टेज का, तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम जैसे हमारा कंट्रोल वायरिंग पूरा हो चुका था, हम यहाँ अपने लैंप को कनेक्शन कर लेते हैं। इससे जो हमारा A2 पॉइंट है दोस्तों, जैसे A1 न्यूट्रल तो हमने दे ही दिया यहाँ से, अब A2 पॉइंट हमारा कब ऑन होगा, जैसे कि हम प्रेस करेंगे हमारे यहाँ से सप्लाई इधर से आएगा फिर इसके बाद इधर से आएगा, एक बार हम दबाएंगे तो फिर हमारा सप्लाई इधर से आएगा ऐसे होते हुए यहाँ आएगा, फिर इसके बाद जब हमारा हम छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ से NO से NC बन के आने लगे सप्लाई, जब मोटर चलेगी तो हमारा ग्रीन लैंप जलेगा के लिए हम यहाँ से A2 से सप्लाई ले लेंगे। हम A2 सप्लाई लेने के बाद हम ले जाके अपने लैंप में कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको स्टॉप लैंप के लिए जब हमारा NC है, NC मतलब नॉर्मल क्लोज, नॉर्मल टाइम जब हमारा मोटर बंद रहेगा तब ये NC रहेगा और जैसे मोटर स्टार्ट होगा ये NO बन जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे NC पॉइंट से कनेक्शन ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सप्लाई दे रखा है। जब से
जब मोटर हमारा ऑफ रहेगा तो हमारा सप्लाई इधर से इधर कंटिन्यू होगा, ऑन होगा, ऑन होगा, ये सप्लाई कट जाएगी तो हमारा ऑन स्टॉप लैंप बंद हो जाएगा और स्टार्ट लैंप चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एनसी से कनेक्शन ले जाके अपने स्टॉप लैंप में कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, और कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमको बता सकते हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूरत है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।